हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कम्युनिकेशन का ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वो है हमारा ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन यानी ग्रेपवाइन को अपुष्ट समाचार भी हम कह सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसके मीनिंग से देखते हैं कि होता क्या है ये ग्रेपवाइन। A communication held without following a recommended structure in an organization is informal communication. So grapevine communication can be described as a casual and unofficial communication system within the organization. यानी कि एक संगठन में अनुशासित संरचना का पालन किए बिना आयोजित संचार अनौपचारिक संचार है। यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपने फॉलो नहीं किया है कम्युनिकेशन का, तो वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन माना जाएगा। तो अंगूर संचार यानी ग्रेपवाइन का दूसरा नाम अंगूर संचार भी है। अंगूर संचार किसी भी तरह से एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि अंगूर संचार या फिर ग्रेपवाइन अपुष्ट समाचार किसी भी तरह से आपको पूछ सकते हैं। तो अंगूर संचार को संगठन के भीतर एक आकस्मिक और अनौपचारिक संचार प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है। इसका मतलब यह है कि सामान्यतः जनप्रवाद द्वारा कही सुनी बातें या सुनी सुनाई गई सूचनाएं, आपसी चर्चाओं, अनुमानों या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो तोड़ मरोड़ कर पेश की गई हो, तीखी चटपटी खबरें या फिर जो रूमर्स होती है, इन तरह का अगर आपका प्रसारण हो रहा है तो वो आपकी अफवाहों की मील यानी रूमर मील कहा जाता है। इन शॉर्ट, आपके ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में कि जो भी आपकी तोड़ मरोड़ कर बातें या फिर चटपटी खबरें या फिर जो भी आपकी मतलब कंप्लीट नहीं है इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में देखने को मिल सकती है। इसको इसीलिए कहा जाता है रूमर मिल यानी अफवाहों की मिल। क्लियर है? जनप्रवाद की विश्वसनीयता संदेहपूर्ण होती है। अभी मैंने बताया कि इसमें इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ कर झूठी इंफॉर्मेशन, अफवाहें, इन सभी से रिलेटेड ये कम्युनिकेशन होता है। यानी इसमें जरूरी नहीं है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फैक्ट बताया जाए वो एक्यूरेट ही हो, जिससे इसका हमेशा इस कम्युनिकेशन से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उस पर डाउट क्रिएट होता है। क्लियर है? फिर आगे चलते हैं कि जनप्रवाद तात्कालिक होता है तथा तात्कालिक मार्गों से होकर शीघ्र ही समस्त संस्था में छा जाता है। अगर किसी ने कोई अफवाह फैलाई है तो क्या वो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन से जल्दी फ्लो होगी या फिर नहीं? सीधी सी बात है, अगर आपकी कोई अफवाह है या फिर कोई तीखी चटपटी खबरें है या तोड़ मरोड़ कर पेश की गई कोई भी सूचना है, तो वो जितनी शीघ्र पहुंचेगी संस्था में उतना शीघ्र ऑफिशियल कम्युनिकेशन से कोई भी इंफॉर्मेशन हम नहीं पहुंचा सकते। कई बार ये सत्यता के करीब होता है, ये अनाधिकृत होता है, यानी कि ये अनऑथराइज, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन नहीं होता फर्म में जो ये कहे कि आपको तोड़ मरोड़ कर इन्फॉर्मेशन को पेश करना है, यानी अपुष्ट समाचार भेजना है। क्लियर है? इसमें ऐसे संदेशों का आदान प्रदान सामाजिक समारोह पर, दोपहर के भोजन के समय या सामूहिक कार्यक्रमों तथा आमोद प्रमोद के क्षणों में होता है। आमतौर पर लोग ऐसे बहुत सारे सोशल फंक्शंस में जाते हैं जहां पर, या फिर लंच में जाते हैं या फिर कोई भी मीटिंग में जाते हैं, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को, या फिर मीटिंग में जाते हैं
तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन का प्रसारण वहाँ से आता है, और वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक्यूरेट ही हो, वो सत्यता के करीब हो सकती है पर वो हमेशा सत्य नहीं हो सकती। क्लियर है? चलिए अब हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रेपवाइन इज अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन चैनल विच इज रिलेटेड टू दोज पर्सन हु आर एसोसिएटेड विद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू लुइस एलन। यानी कि ग्रेपवाइन एक सम स्तरीय संचार माध्यम है, हॉरिजॉन्टल यानी समतल, सम स्तर समतल, ठीक है, समान स्तर पर काम करने वाले, समान स्तर। क्लियर है? जो एक ही स्तर पर कार्य करने वाले उन व्यक्तियों से संबंध रखता है जो अनौपचारिक प्रणाली को अपनाए हुए हैं। ग्रेपवाइन जो होता है वो उन लोगों से संपर्क में ज्यादा रहता है जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। यहां तक समझ आया? इन शॉर्ट हम जो कंक्लूजन है वो ये निकालते हैं कि हमारा जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं ग्रेपवाइन से रिलेट करता है। इनफॉर्मल में भी हम क्या करते थे, इनफॉर्मल में भी हम अपने सोशल रिलेशन से इंफॉर्मेशन को सोशल या फिर किसी भी रिलीजन किसी भी फॉर्म में हम अपने इंफॉर्मेशन को फ्लो करवाते थे। वो जरूरी तो नहीं है कि इंफॉर्मेशन हमेशा ही सही हो। तो ग्रेपवाइन में भी ऐसा ही होता है कि ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जैसा ही रिएक्ट करता है। इसमें रूमर्स भी होती है, इसमें सूचनाओं का एक्यूरेशन नहीं होता है, ये तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है, इसमें ऐसे भी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स आते हैं जो रियल में नहीं हो या फिर रियलिस्टिक से बहुत दूर हो। तो इन तरह की सूचनाओं को हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के अंदर रख सकते हैं। इसलिए इस ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को रूमर मिल यानी अफवाहों की मील भी कहा जाता है। अभी मैंने बताया था इसको अफवाहों की मील भी कहा जाता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के, या ग्रेपवाइन चैनल कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन चैनल। क्लियर है? अब देखते हैं होते कितने टाइप के हैं। फोर टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो है वो है सिंगल स्टैंड चेन। सिंगल स्टैंड चेन यानी एकल आधार, ये है हमारा फर्स्ट। फिर सेकेंड आता है हमारा गॉसिप चेन। गॉसिप चेन यानी गपशप श्रृंखला। फिर आती है हमारी प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी फिर आती है हमारी प्रोबेबिलिटी चेन यानी प्रायिकता श्रृंखला। फिर लास्ट है हमारी क्लस्टर चेन यानी गुच्छा श्रृंखला। ये है हमारे चार टाइप इनके चैनल्स के, कि गॉसिप चैनल के चार टाइप है। हिंदी में भी लिख लेते हैं, एकल आधार सबसे पहला, सेकंड है हमारी गपशप श्रृंखला, थर्ड है हमारी प्रायिकता श्रृंखला, फिर नेक्स्ट लास्ट है हमारी गुच्छा श्रृंखला एंड लास्ट वन है हमारी गुच्छा श्रृंखला। ये हमारे चार टाइप है। आइए अब हम इन चारों टाइप को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कैसे ये चारों टाइप वर्क करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं
एकल आधार यानी सिंगल स्टैंड चेन को, सिंगल स्टैंड, एक सेकंड, स्टैंड चेन को। चलिए अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ आ सके कि सिंगल स्टैंड चेन होता क्या है। इस आधार में एक व्यक्ति एक क्रम के अनुसार दूसरे को संदेश देता है, यानी एक पर्सन किसी एक फिक्स फॉर्म के अकॉर्डिंग ही दूसरे पर्सन को इन्फॉर्मेशन मैसेज फ्लो करता है। इस श्रृंखला में सीधी संदेश की सीधी रेखा के रूप में, स्ट्रेट लाइन के रूप में ही मैसेज फ्लो होता है। एक संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति आगे संदेश देता है, वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है, यानी जो हमारा फ्लो है वो ऊपर से नीचे की ओर चलेगा। चलिए एक डायग्राम देख लेते हैं। ये है हमारा ए, ए को इन्फॉर्मेशन मिली, उसने बी को दी, बी को इन्फॉर्मेशन मिली, उसने सी को दी, सी को मिली इन्फॉर्मेशन, उसने डी को दी, डी को मिली इन्फॉर्मेशन, उसने ई को दी। ये जो फॉर्म है ये हमारा सिंगल स्टैंड चेन है, यानी एक पर्सन को इन्फॉर्मेशन मिली, उसने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को। इस तरह से ये हमारा सिंगल स्टैंड चेन है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है गपशप चेन, गपशप यानी गॉसिप चेन, गॉसिप चेन हिंदी में भी लिख लेते हैं, गपशप चेन श्रृंखला, सॉरी ये आ गई हमारी श्रृंखला। अब हम इसको भी देख लेते हैं, बाय डायग्राम ही देखेंगे ताकि आपको इजीली चीजें समझ आ जाए। इस श्रृंखला में एक व्यक्ति द्वारा बिना चयन किए हुए सभी व्यक्तियों को संदेश दे दिया जाता है। जैसे यहां पर ये ए पर्सन है, इसने इस गॉसिप चेन में ये कहा गया है कि अगर ए को इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो बिना चूज किए हुए, बिना कोई प्रिस्क्राइब मेथड के, बिना कोई प्रिस्क्राइब मैनर्स के, वो अपने जो भी आगे आया उसको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी। देखिए डायग्राम में सबसे पहले उसने इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ पर बी मिला, बी को दे दी, फिर उसको डी मिला, डी को दे दी, फिर उसको एफ मिला, एफ को दे दी, फिर उसको आई मिला, आई को दे दी, फिर उसने इन्फॉर्मेशन क्यू को दे दी, फिर उसको मिला जेड, जेड को दे दी, फिर उसको मिला वाय, उसको दे दी। तो इस तरह से वो अपने इन्फॉर्मेशन को, यानी ए ने सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन बांट ली विदाउट चूजिंग अ पर्सन, विदाउट चूजिंग अ पर्सन। क्लियर है यहां पर? चले आगे। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी चेन, थर्ड है हमारा प्रोबेबिलिटी चेन। चेन यानी प्रायिकता श्रृंखला। इसमें यह होता है कि आप अपनी एक, जिस बंदे को इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों को अनियमित रूप से संदेश दे सकता है। जैसे यहां पर एक इन्फॉर्मेशन डी को मिली, डी ने वो इन्फॉर्मेशन एफ के साथ शेयर की और डी ने वो इन्फॉर्मेशन ई के साथ भी शेयर की और इसी के साथ डी ने वो इन्फॉर्मेशन दे दी ए को,
ठीक है। डी ने यानी तीन लोगों को दी, एक दो और तीन। अब डी ने तो अपनी इंफॉर्मेशन को इन तीनों तक पहुंचा दिया। अब इसके बाद ए ने वो उस इंफॉर्मेशन को बी तक और सी तक पहुंचाया, सी ने उस इंफॉर्मेशन को जी और एच तक पहुंचाया, एच ने उस इंफॉर्मेशन को जेड और वाई तक पहुंचाया। तो इस तरह से डी ने सिर्फ तीन लोगों को बताया, उस तीन में से एक ने दो को बताया, उस एक में से दो ने उस एक में से इंफॉर्मेशन ने दो ने बताए, जी और एच को बताया, और एच ने फिर दो को बताया। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी यानी कुछ फिक्स नहीं है, अनियमित रूप से आप क्या कर सकते हो, लोगों को चूज करके अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को फ्लो कर सकते हो। यहां तक समझ आया? हमने तीन टाइप देखे हैं, सिंगल चेन, सेकेंड है हमारा गॉसिप चेन एंड थर्ड है हमारा प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट हमारा क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि होता क्या है क्लस्टर चेन, यानी गुच्छा श्रृंखला। चलिए तो देख लेते हैं गुच्छा श्रृंखला होता क्या है। इस श्रृंखला में व्यक्तिगत रूप से चयनित आधार पर अन्य व्यक्तियों को संदेश दिया जाता है, यानी मैंने कुछ डिसाइड किया, उसके बाद लोगों को फ्लो करवा दिया वो इंफॉर्मेशन। जैसे ए ने इंफॉर्मेशन दी बी को, बी ने दी ई को, ई एंड जी एफ को एंड जी को, ए ने इंफॉर्मेशन दी सी को, सी ने दी एच को, ए ने दी डी को, डी ने दी आई और जे को। इस तरह से अगर इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, यहां पर एक और बंदे को ले लेते हैं ई को, इस तरह से आप बना सकते हो, बहुत लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकते हो। ये हमारे मेंबर्स। इसके बाद आई ने दे दी क्यू और पी को, पी ने दे दी एच, एक सेकेंड, एच को तो दे दी है इंफॉर्मेशन, पी ने दे दी एन को और आर को। इस तरह के इंफॉर्मेशन यानी गुच्छा बना बना के आप अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हो। तो ये था हमारा क्लस्टर चेन। एंड पूरा ये जो ग्रेपवाइन हमने पढ़ा है, इसके एंड में हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंस और इवैल्यूएशन कर लेते हैं कि ग्रेपवाइन संचार व्यवसाय में प्रबंध और कर्मचारी दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह संचार जगत में आगे की तरह तेजी से फैलता है। मैंने अभी बताया ना, इसका जो फ्लो होता है वो कैसे होता है ग्रेपवाइन का, फास्ट, कि आप किस तरह से इंफॉर्मेशन को फास्ट पहुंचा सकते हो। हर व्यक्ति अपने को प्राप्त जानकारी किसी दूसरे के साथ जरूर बांटता है। एक पर्सन को अगर इंफॉर्मेशन मिली है तो वो दूसरे को जरूर वो इंफॉर्मेशन देगा। इसीलिए इसको प्रैक्टिकल भी माना गया है। प्रैक्टिकल भी इसीलिए माना गया है क्योंकि जब भी एक इंसान को, एक पर्सन को, एक व्यक्ति को अगर कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो वो दूसरे के साथ जरूर बांटता है और बात फैल जाती है इससे। इसके माध्यम से प्रबंधकों को संगठन के निर्णय नीति से संबंध में प्रतिपुष्टि भी प्राप्त हो सकती है, यानी कि एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है तो जिससे मैनेजर्स को फीडबैक भी मिल सकता है। यह संगठन में लगे व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक संतुष्टि दिलाता है और संगठन की एकता को दर्शाता है। अभी हमने इसका एक ये फॉर्म पढ़ा था जिसमें एक को इंफॉर्मेशन मिली, यानी पूरी फर्म जितने भी मेंबर है
ऑल पर्सन तक पहुंच जाएगी वो इन्फॉर्मेशन फर्म के। जैसा कि यहाँ आप देख ही रहे हो, ए ने बी, बी को एफ, जेड, पूरा इन्फॉर्मेशन आपके फर्म में पहुंच गया है। लेकिन इस श्रृंखला की कुछ कमियां भी है। देखो, हर किसी के दो पहलू होते हैं सिक्के के। हमने इतनी सारी एडवांटेजेस देखी कि इस फॉर्म से हम ज़्यादा जल्दी फीडबैक ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को जल्दी फ्लो करवा सकते हैं, फीडबैक हमको जल्दी मिलेगा, मैनेजर्स को इजी हो जाता है, वर्कलोड कम हो जाता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का वगैरह। तो इससे कुछ कमियां भी है, जैसे अव्यवस्थित है, यानी कुछ डिफेक्ट्स भी है, डिफेक्ट्स ऑफ ग्रेपवाइन। यानी सबसे पहली है अनसिस्टमैटिक। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये अनसिस्टमैटिक है? किसी भी फिक्स मेथड में इसका कोई भी पाथ नहीं है। फिर है अनरियलाइबल। सबसे पहले स्टार्टिंग से ही मैंने बताया है कि इसको रूमर मील भी कहा जाता है, और अफवाहों पर यकीन करना, विश्वास करना कठिन हो जाता है। फिर है डाउटफुल होती है। फिर है कि इससे सीक्रेसी यानी गोपनीयता, लैक ऑफ सीक्रेसी होता है, यानी गोपनीयता भंग होती है इससे। तो इन सारे डिफेक्ट्स को भी मद्देनजर रखते हुए आपको ग्रेपवाइन को इवेलुएट और एनालाइज करना है कि किस तरह से ग्रेपवाइन आपकी फर्म में काम आ सकता है और किस तरह से नहीं आ सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा आपको। ग्रेपवाइन यानी कि अस्पष्ट समाचार। ग्रेपवाइन का मतलब एक बार वापस से थोड़ा सा देख लेते हैं कि होता क्या है। कि ग्रेपवाइन यानी कि कहीं सुनी बातें, सुनाई गई सूचनाएं, चर्चाएं या अनुमान से या तोड़े मरोड़े गए तथ्यों, तीखी चटपटी खबरें या फिर कुछ झूठी ऐसे फैक्ट का प्रसारण करता है, जिससे इसको रूमर मील कहा जाता है। इसमें जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो एक्यूरेट नहीं होती है। इसके फॉर्म्स देखे हमने, चार फॉर्म थे। सबसे पहला था सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, प्रॉबेबिलिटी एंड क्लस्टर। ये थे हमारे सिंगल स्टैंड चेन। सेकेंड है गॉसिप, थर्ड है हमारा प्रॉबेबिलिटी एंड फोर्थ है हमारा क्लस्टर चेन। तो इस तरह से ये था आज आपकी क्लास का टॉपिक। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं।